तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फेसबुक के डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर सकते हो अगर आपके फेसबुक पे डेट ऑफ बर्थ सेक्शन लॉक्ड है तो। ओके मैं आपको दिखा दूँ फिर भी कैसे चेंज करते हैं मैं आपको बताऊंगा सभी इसी वीडियो में। तो वीडियो को ऑब्वियसली अंत तक देखो, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरीन, आप देखिए सुनी मित्र जब यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो सिस्टम है आपको दिखा दूँ कैसे चेंज करते हैं। रेगुलरली आपके प्रोफाइल पे सीधा चले जाओ एडिट प्रोफाइल वाले सेक्शन पे, आप स्मार्टफोन पे भी जा सकते हो। इधर जाने के बाद आप सिंपली एकदम ही कुछ पर्सनल डिटेल्स आप इधर से देख सकते हो। ओके और चले जाते हैं अबाउट वाले सेक्शन पे। अबाउट वाले सेक्शन पे जाने के बाद ही इधर से सीधा आपको अबाउट वाले सेक्शन पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, या इधर से भी आप क्लिक करके सीधा जा सकते हो। जाने के बाद इधर आपके सभी डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल्स मैं आपको इधर हाइड कर रहा हूँ। ओके सीधा इधर से मैं चले जाता हूँ कॉन्टैक्ट एंड बेसिक इन्फो पे। कॉन्टैक्ट एंड बेसिक इन्फो पे जाने के बाद ही इधर आपको देखने को मिलेगा मेरा डेट ऑफ बर्थ सेक्शन। ओके पर्सनल जो डिटेल्स होंगे वो इधर हाइड रहेंगे सोशल मीडिया लिंक्स छोड़ के। अब मैं इधर चले जाता हूँ, इधर देख सकते हैं मेरा डेट ऑफ बर्थ है। हो सकता है मैं डेट ऑफ बर्थ को हाइड करके रखो और बेसिकली ये मेरा फिक्स डेट ऑफ बर्थ इधर मैं यूज़ कर रहा हूँ। ओके अब रीजन्स के अनुसार मुझे ये चेंज करना पड़ता है, तो मैं अभी चेंज करने वाला हूँ लाइव प्रैक्टिकल के साथ। ओके तो इधर देख सकते हो मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद ही देख सकते हो ये इधर लॉक शो कर रहा है। मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ इसको हाइड या ये कर सकता हूँ, लॉक कर सकता हूँ। ठीक है, हाइड या ओनली मी या पब्लिक कर सकता हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं। तो इधर सब सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। और अगर आप इधर से नहीं कर पा रहे हो तो जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको हम छोड़ देते हैं एज इट इज़ जैसा है। तो हम सीधा चले जाते हैं पेज फेसबुक के नॉर्मल पेज पे। ठीक है, ये फेसबुक स्क्रीन। और ये जो स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा ये करने से पहले आपको क्या करना होगा कि आपको फेसबुक को अपने ब्राउज़र पे लॉग इन करना होगा। अगर लॉग इन नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा। सिंपली मैं नया टैब ओपन करता हूँ, सेम आपको भी यही करना होगा, सेम क्रोम ब्राउज़र पे या किसी भी ब्राउज़र पे। करने के बाद सिंपली मैं जो लिंक है मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, इसको पेस्ट एंड रन करो, पेस्ट एंड रन करो। पेस्ट एंड रन करने के बाद ही आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा कि रिक्वेस्ट ए बर्थडे चेंज। ओके तो आप क्या चेंज करना चाहते हो इधर से आपको चूज करना होगा, ईयर या डेट ऑफ बर्थ। इधर से आप देख सकते हैं मैं इधर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। आप इधर आपको बोल रहा है कि आप क्या चेंज करना चाहते हो। इधर लिखा है कि प्लीज नोट दैट फेसबुक अकाउंट मस्ट बी लिस्ट एंड ऑथेंटिक नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। अकाउंट लिस्ट ऑफ दैट्स इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, फेक नेम, फेक डेट ऑफ बर्थ मे बी सस्पेंडेड। ओके तो आप इधर बोल रहे हैं कि अगर आप फेक इन्फॉर्मेशन यूज करते हो तो आपको ये सस्पेंड करना पड़ सकता है, आपको ये फेसबुक अकाउंट वो लोग सस्पेंड कर देंगे। तो इधर डेट ऑफ बर्थ चूज़ करने को बोला है तो हम सीधा चूज़ करते हैं ईयर। तो हम इधर से ईयर चूज़ करते हैं, कोई एक ईयर जो आपका लीगल ईयर है वो आप चूज़ कर लो। मैं चूज़ करता हूँ ऑब्वियसली हाइट कर दूंगा। ओके चूज़ करने के बाद ये आपको जब भी आप ईयर चूज़ करोगे तभी आपके सामने पेज आ जाएगा कि आप मंथ चूज़ करो, कौन सा मंथ चाहते हो। तो सिंपली इधर से मंथ हम चूज़ कर लेते हैं जो हमें चाहिए। फिर इधर बोल रहा है कि आप क्या चेंज करना चाहते हो, डेट कौन सा देना चाहते हो। तो डेट भी हम अपने हिसाब से जो ऑथेंटिक डेट है वो हम चूज़ कर लेते हैं। चूज़ करने के बाद इधर बोल रहा है कि रीज़न फॉर चेंज, आप कौन से रीज़न के लिए आप चेंज करना चाहते हो। तो इधर से इधर बोल इधर आप कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर दो कि माय पेज डेट ऑफ बर्थ, माय अकाउंट यूजर, रिप्रेजेंट ए बिजनेस, माय अकाउंट डीएक्टिवेट एंड रिमूव माय अकाउंट, और कुछ अलग आप चूज़ कर सकते हो। तो इधर मैं चूज़ करता हूँ कोई भी एक चूज़ कर लो। तो आप चूज़ करने के बाद सिंपली सभी इन्फॉर्मेशन जब फिल हो जाएंगे सिंपली आप कर दो सेंड के ऊपर। जब भी आप सेंड के ऊपर क्लिक करोगे तो इधर बोल रहा है कि थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग, इधर जो स्क्रीन है मैं हाईलाइट कर रहा हूँ देख सकते हो, थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग फेसबुक, यू शुड रिसीव एन ईमेल रिस्पॉन्स शॉर्टली। ओके अब हो गया, ये जो काम हो गया तो सिंपली आप इधर से कर दो इसको क्रॉस। क्रॉस करने के बाद ही सिंपली चले आओ फेसबुक पे। फेसबुक पे चले आने के बाद कुछ ही मिनट्स के अंदर ये हो जाता है बेसिकली, बट अगर लेट होगा तो मैक्सिमम 24 आवर्स, जहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ ही मिनट्स के अंदर ये कंप्लीट कर देते हैं फेसबुक। बट आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसको आप चेक करना मत भूलना। तो चलिए मैं एक बार रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे मैं स्विच करता हूँ। और देखते कि कुछ मेल्स आते हैं कि नहीं। तो इधर बहुत सारे मेल्स हैं, मैं मेल्स को ब्लर कर रहा हूँ बिकॉज प्राइवेट मेल्स है इसके अंदर। तो सिंपली मैं इधर से चले जाता हूँ अपडेट वाले सेक्शन पे। अपडेट वाले सेक्शन पे जाने के बाद अगर कोई भी लेटेस्ट मेल आता है तो मुझे वो इधर शो करेगा। ओके
तो अभी तक फिलहाल कोई मेल तो नहीं आया है फेसबुक के द्वारा, फिर भी हम एक दो बार रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। तो फिलहाल मैं रिफ्रेश करके देख लिया, कोई मेल तो नहीं है। सो मैं इसको करता हूँ क्रॉस, टैब को क्लोज करते हैं और सीधा चले जाते फेसबुक पे। फेसबुक पे आने के बाद सिंपली हम फेसबुक को फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद हम वेट करते हैं कि कब तक ये चेंज होता है। सिंपली जाते हैं हम अबाउट वाले सेक्शन पे, तो जी हाँ मैं आपको बता दूँ, और कुछ ही मिनट्स का टाइम लिया आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, और मेरा जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है मैंने वो ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है, तुरंत ही चेंज हुआ। मैं आपको बता दूँ तुरंत चेंज हो गया। तो ये मैं हाइड कर रहा हूँ ये, बिकॉज ये ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है और मैं इसको हाइड कर रहा हूँ, चेंज हो चुका है कुछ ही मिनट्स के अंदर। कुछ मिनट्स लगे चेंज हो गया, तुरंत ही चेंज हो गया आप बोल सकते हो, और हो गया काम। तो ऐसे आप अपने फेसबुक अकाउंट के डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर सकते हो इजीली अपने घर बैठे, अपने स्मार्टफोन से या लैपटॉप से। बहुत ही इजी सा स्टेप था, कैसा लगा मुझे बताओ। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों का शेयर करो, कुछ भी सवाल है डाउट से तो ऑब्वियसली कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल करो, जिससे क्या होगा कि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हो, तो मुझसे भी और मेरे चैनल से भी अपडेटेड रहोगे। तो मैं वीडियो के ऊपर खत्म करता हूँ, जय हिंद, धन्यवाद।